पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को यहाँ श्री बंशीधर मंदिर में हाजिरी लगाई तथा दर्शन पूजन कर मनवांछित फल की कामना की। श्री मरांडी अपने निर्धारित कार्यक्रम से विलंब से मंदिर में पहुंचे थे। मंदिर में पहुंचते ही पूर्व सीएम मरांडी ने साष्टांग दंडवत किया व पूजा आरती की। मंदिर में परिक्रमा के बाद उन्होंने प्रतिमा की स्थापना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बंशीधर की नगरी बहुत बड़ी है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बाद भी विकास की पटरी कुछ भी नहीं काम हो पाया था। दुर्भाग्य है, हम सब लोगों के प्रयास रहेगा कि अभी तो पता चला कि 2 साल से ये जो उत्सव भी मनाया जाता था वर्ष में वो भी शायद बंद है। जी जी जी, लेकिन जरूर प्रयास करेंगे कि आने वाला कल उत्सव भी हो और भव्य रूप यहाँ मिले, ताकि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की जो भव्य स्वरूप है वो स्वरूप बंशीधर नगर। वहीं दूसरी ओर उनके नगर उटारी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने बाबूलाल मरांडी को भाजपा का प्रतीक चिन्ह देकर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। श्री केसरी के आवास पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही, सांसद विष्णु दयाल राम सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले तो बंशीधर नगर के और इस क्षेत्र के कार्यकर्ता को और यहाँ से विधायक भानु प्रताप शाही जी को और तमाम जिला के पदाधिकारी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है कि सब लोगों ने जिस उत्साह के साथ, जो खरोंच के साथ स्वागत किया, ये अपने आप में अद्भुत है, जिसकी मैंने कोई कल्पना नहीं की थी। हम तो सिर्फ बंशीधर बाबा के दर्शन करने के लिए हम आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग बिल्कुल स्पष्ट है कि अगली सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये लोगों के उत्साह ही बता रही है। उसके बाद स्थानीय फैंसी मैरिज हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवसायी ही नहीं बल्कि किसान, छात्र, मजदूर खुद को लाचार महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्री बंशीधर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, ऐसे में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहाँ रोजगार की समस्या दूर की जा सकती है। उन्होंने भवनाथपुर में फैक्ट्री लगाने की मांग पर भी पहल करने की बात की है। वहीं सांसद बीडी राम, विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू एवं भाजपा के कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। व्यवसायों के साथ बैठे थे, उनकी जो समस्याएं हैं थोड़ा उसके बारे में अपने आप को अवगत होना, परिचित होना, ताकि उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार से हम बात कर सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके। तो यहाँ पर 5-6 व्यवसायों ने अपनी अपनी बातें बताई कि जो उन लोगों के अनुभव था, कैसे भय का माहौल है, उसमें कैसे व्यवसाय करें, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा है, व्यवसाय के नए नए तरीके निकले हैं, उसको कैसे कम्पीट करें। तो लोगों ने अपनी अपनी तकलीफ बताई, हम लोग देखेंगे उसको क्या कर सकते हैं। अब निश्चित रूप से इसलिए हमने कहा कि आज तो इस सब बातों को सुनने के लिए आए थे, जानने के लिए आए थे, और पूरे प्रदेश में यही हालत है, सब लोग परेशान हैं, व्यवसायी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र नौजवान है, सभी परेशान हैं। यानी सरकार से कोई भी लोग खुशी नहीं है, क्योंकि सरकार ने सबको छला है, सबको धोखा दिया है और आज सबको लूट भी रही है। सर, हम लोग के यहाँ एक माइंस था सर, जो माइंस काफ़ी दिनों से बंद है। हमें पता है कि उस बंद मंच को कैसे खोला जाए, उसमें से क्या हो सकता है कि सांसद भी सूट रहे थे, और हम भी उस पर कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि वहाँ पर लगभग 4,000 एकड़ ज़मीन भी है, और उस पर और क्या हो सकता है उस पर हम सब लोग जरूर विचार करें। सर, अभी आप कहाँ के माध्यम से? हाँ।